विटामिन बी कंपलैक्स एक अजिहा विटामिन है जिहड़ा कि बहुत ही जरूरी है। हालांकि हर विटामिन मिनरल जरूरी हुंदा पर विटामिन बी कंपलैक्स इसलिए जरूरी हो जाता कि यह पानी विच घुलनशील विटामिन है। इसलिए शरीर अंदर इसका पद्धर बहुत जल्दी घट सकता तो सानू लगातार ध्यान देने की जरूरत हुंदी है। जे तुसी जरूरत तो ज़्यादा पानी पीने तो पेशाब राही इस विटामिन की भी कमी हो सकती है। पेशाब राही ये विटामिन ज़्यादा पेशाब आने शरीर विच्चों पेशाब राही बाहर निकल सकता। इसलिए आम तौर पर देखा गया कि गर्मियों के मौसम विच विटामिन बी 12 की अक्सर कमी हो जाती है। विटामिन बी कंपलैक्स विटामिन बी 12 साढ़े DNA लई खून दे लाल कणा लई अते साढ़े नर्वस सिस्टम दे चंगी तरह काम करन लई बहुत ही जरूरी विटामिन है। विटामिन बी 12 आम तौर ते मांसाहारी खाद पदार्थों विच पाया जांदा। इसलिए शाकाहारी लोगों नू अपने शरीर अंदर विटामिन बी 12 दे पद्धर उपर लगातार ध्यान देना चाहिए। विटामिन बी 12 अते इस दे नाल जुड़िया कुछ अजिहियां गल्लां मैं तुहाडे नाल सांझियां करांगा जो कि कोई नहीं दसदा अते ओ गल्लां विटामिन बी दे साडे शरीर अंदर जज्ब अते हजम होण उपर बहुत ही कारगर साबित होंगे। साढ़े मेदे अंदर मौजूद चीफ सैल एंट्रेंसिक फैक्टर नाँ का एक तत् पैदा करते हैं जिस की सहायता नाल विटामिन बी 12 हजम हो सकती है। जे वो एंट्रेंसिक फैक्टर नाँ का तत् साढ़े मेदे विच पैदा नहीं होगा तो तुसी जिन्नी मर्जी मात्रा विच विटामिन बी 12 खाओगे फिर भी वो तुहाडे हजम नहीं होगा। एंट्रेंसिक फैक्टर का काम हुंदा बी कंपलैक्स विटामिन नूं मेदे दे तेजाब तो बचा के सुरक्षित ढंग नाल हजम करना। तो एंट्रेंसिक फैक्टर नाल जुड़ी हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण गल है कि जे तुहाडे मेदे का तेजाब जरूरत तो घट होएगा तो वह एंट्रेंसिक फैक्टर नाँ का तत् पैदा ही नहीं होएगा। अते जे तुहाडे मेदे अंदर तेजाब जरूरत तो वध होएगा तो फिर भी एंट्रेंसिक फैक्टर दे काम करन दी समर्था उपर माड़ा असर पैंदा। इसलिए बी 12 दे हजम करन लई बी 12 दे चंगी तरह हजम करन लई ये जरूरी है कि तुहाडे मेदे का तेजाब सही पद्धर ते होवे ना घट अते ना ज़्यादा। विटामिन बी 12 दी शरीर अंदर मात्रा जानन लई असी ब्लड टेस्ट कराउणा है पर ब्लड टेस्ट जरूरी नहीं कि तुहानू सही जानकारी देवे। कुछ तरह के विटामिन बी कंपलैक्स सप्लीमेंट जिन्हां दी मैं अगे गल करदा वो अजिहे हुंदे आ कि जो साढ़े खून विच तां जरूर घुमदे रहिंदे आ पर शरीर अंदर जज्ब नहीं हो पाउंदे। कहन दा मतलब जे तुसीं बी 12 दा टेस्ट कराउणा है अपने शरीर विच तां ओह तुहाडे खून विच बिलकुल सही पद्धर उपर आवेगा उच्चे पद्धर उपर आवेगा पर फिर भी उस दी कमी तुहाडे शरीर अंदर भारी मात्रा विच होवेगी क्योंकि ओह बी 12 सिर्फ तुहाडे खून विच ही घूम रहा तुहाडे शरीर के अंदर जज्ब नहीं हो पा रहा। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिमें कि उदाहरण के तौर पर बी 12 की कमी कारण तुहानू पैरफरल न्यूरोपैथी की समस्या हो सकती है जिमें कि हत्थां पैरां दा सौना। तो जे तुसीं ब्लड टेस्ट कराया अते तुहाडे ब्लड टेस्ट विच बी कंपलैक्स का जो पद्धर है वह उच्चे
लैवल ते ही है, उच्चे पद्धर ते ही है बी कंपलैक्स बी ट्वेल्व तुहाडा, फिर भी तुहाडियां लत्तां बाहां सौ रही हैं, तो इसका मतलब तुहाडे शरीर अंदर विटामिन बी ट्वेल्व की कमी है, चाहे तुहाडे खून अंदर विटामिन बी ट्वेल्व भरपूर मात्रा में है। तो इस मुश्किल नूं किवें हल किया जाए, तो आम तौर पर मार्केट में तीन किस्म के बी ट्वेल्व विटामिन सप्लीमेंट मिलते हैं, जिन्हां विच्चों एक किस्म तुहाडे खून अंदर तो पहुँच जाती है, पर उस विच तुहाडे शरीर अंदर जज्ब होने की, तुहाडे शरीर के टिशूज सैल्स विच जज्ब होने की समर्था नहीं होंदी। जिमें कि तुहानू पता होगा कि विटामिन बी ट्वेल्व नू कोबालामिन भी कहा जाता, तो जदों भी तुसी विटामिन बी ट्वेल्व का सप्लीमेंट लो तो उस उपर पढ़ो कि इस उपर सियानो कोबालामिन तो नहीं लिखा होया। सियानो कोबालामिन एक अजिहा कोबालामिन सप्लीमेंट है जो कि तुहाडे शरीर अंदर जज्ब नहीं हो पाउंदा, सिर्फ तुहाडे खून अंदर घूमता रहिंदा। इस दी बजाए तुसी दो होर दो किस्म का कोबालामिन खरीदो, दो होर किस्म का विटामिन बी ट्वेल्व खरीदो, पहला मिथाइल कोबालामिन अते दूसरा एडीनोसाइल कोबालामिन। ये दो अजिहे किस्म की कोबालामिन है यानी बी ट्वेल्व है जो तुहाडे शरीर अंदर पूरी तरह जज्ब होने की समर्था रखती है, ते तुहाडे शरीर अंदर कुछ दिन अंदर ही बी ट्वेल्व विटामिन की कमी नू दूर कर दिंदी है। कोशिश करो कि विटामिन बी ट्वेल्व का जो तुसी सप्लीमेंट हो लवो वो तरल रूप च होवे, लिक्विड फॉर्म च होवे। लिक्विड किस्म विच आउंदी कोबालामिन यानी बी ट्वेल्व जे शुद्ध है तो वह लाल रंग विच होवेगी, उस दियां कुछ बूंदा तुसी अपनी जीभ थले रखो, तो जीभ दे थले तो ही उसनू शरीर अंदर जज्ब होन दिओ। इस ढंग नाल बी ट्वेल्व तुहाडे मेदे विच जान तो पहला ही तुहाडे शरीर अंदर जज्ब हो जाएगी। तो इस दा फायदा यह है कि जे तुहाडे मेदे अंदर इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं बन रहा तो फिर भी बी ट्वेल्व तुहाडे शरीर अंदर पहुँच जाएगी। जे असी इस दे स्रोत की गल करिए, बी ट्वेल्व दे स्रोत की गल करिए, आम तौर पर मासाहारी भोजन ही है, पर साढ़े शरीर अंदर भी ये बी ट्वेल्व विटामिन कुदरती रूप में बनता। साड़ी छोटी अंतड़ी का जो आखिरी हिस्सा होंदा यानी कि इलियम, उस विच कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होंदे है, अजिहे बैक्टीरिया जो साढ़े शरीर लई फायदेमंद है, वो बी ट्वेल्व विटामिन वो हेल्दी बैक्टीरिया बी ट्वेल्व विटामिन का निर्माण करते हैं, जिस नाल साढ़े शरीर नू ये जीवनदायी विटामिन लगातार मिलता रहिंदा। इसलिए अगे तो विटामिन बी ट्वेल्व का सप्लीमेंट खरीदन अते इस्तेमाल करन तो पहला मेरे दसे हुए गुर याद करो अते इन्हां नू लागू करो।